नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रंजीत सिंह रिहल वीज़ा हब इमिग्रेशन से, और आज एक न्यू सक्सेस स्टोरी लेके आया हूं दोस्तों। इनका नाम है मिस्टर हरीश कुमार जी और ये बिलोंग करते हैं मोगा से। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दोस्तों इनकी। ये मेरे पास आए थे अप्रॉक्सीमेटली फरवरी 2019 में, एंड इनकी प्रोफाइल अच्छी थी तो मैंने कहा सर आपकी प्रोफाइल इज़ एवरी गुड, एवरीथिंग इज़ ओके, आप डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। एंड इन्होंने वर्बली मुझे सब कुछ बता दिया था, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम इसको प्रोसेस करेंगे, आपका वीज़ा आ सकता है। ये भाई साहब चले गए, एक्सप्लोर करते रहे और ऑप्शंस, एंड आई डोंट नो किसके पास ये गए। इन्होंने वीज़ा अप्लाई कर लिया एंड वीज़ा इनका हो गया रिफ्यूज़। एंड उस टाइम मैं था ऑस्ट्रेलिया में, ये बात थी ऑलमोस्ट अप्रैल की, अप्रैल मई में तक ये ढूंढते रहे किसी बंदे को, एंड पता नहीं किसको ढूंढा इन्होंने और इन्होंने रिफ्यूज़ करवा लिया। एंड मुझे मैसेज आता सर आप कहाँ हो, आप कब आ रहे हो इंडिया, तो मैंने कहा क्या हो गया, आई एम कमिंग बैक इन मे, सो ही सेड सर मेरा रिफ्यूज़ हो गया है। तो मैंने कहा आपको तो मैंने बताया था कि अभी अप्लाई नहीं करना है, वी शुड हैव सम वेट फॉर अ मंथ एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई। तो कहते बस जी हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आया, हम कैफे कॉफी डे जंदर सिटी में बीएमसी चौक में है, वहाँ मीटिंग की हमने, एंड इनके डॉक्यूमेंट्स देखे, उनमें जो आइटनरी थी सबसे पहले तो दैट इज़ वेरी बोगस, आइटनरी बड़ी बेकार बनाई थी बंदे ने, कवरिंग लेटर इज़ बेसलेस, कोई दम नहीं था कवरिंग लेटर में, एंड दो तीन चीज़ें और थी जो मैंने नोटिस की जो गलत लिखी हुई थी। एंड आफ्टर दैट मैंने कहा सर आपका काम हो जाएगा, ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट द केस। मैंने केस स्टार्ट किया, जो गलतियाँ थी सब कुछ ठीक की, लेटर लिखी बहुत अच्छी, एंड आफ्टर दैट इनकी आइटनरी बहुत अच्छी बनाई, वैंकूवर की बनाई थी आइटनरी बहुत अच्छी, एंड जो लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है इतनी सैलरी है बंदे की और ये इतना खर्चा वहाँ पे कर सकता है। एंड वो करने के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों का वीज़ा लगाया। बाकी की जो स्टोरी है वो आप इनसे पूछ सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार, मैं मोगा डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करता है, मैं अपना कनेडा का टूरिस्ट वीज़ा पहला अप्लाई किया, वह रिजैक्ट हो गया किसी कारण करके, उस तो बाद मैं वीज़ा हब को आया, रणजीत साहब जी ने गल की, इन्होंने मैं सारा दसिया भी तुसी दोबारा अप्लाई करो, तो होप्स हो के अपना हो सकता, तो इन्हां दी गाइडेंस नाल मैं अगे उस चीज़ नूं अप्लाई किया तो मेरा 15 दिन वीज़ा मेरा तो मेरी वाइफ का मेरे हाथ च आ गया। मैं रणजीत सर का, वीज़ा हब की टीम का, सूरज सर का, मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करदा, धन्यवाद करदा। तो मेरा ईवन कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं सी जी, ना ही मतलब कितने गए थे, तो होटल बुकिंग से वीज़ा हब की टीम ने सारे ना रल के मेरा वीज़ा ग्रांट किया, तो इन्हों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करदा। अगे भी होर भी लोगों मैं करदा कि सही गाइडेंस लई वीज़ा हब को जरूर आओ। सत श्री अकाल, थैंक यू गाइज, इसी तरह से शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए वीज़ा हब। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा ऑफिस सिर्फ और सिर्फ जलंधर में है, एड्रेस आप देख सकते हैं वेबसाइट से गूगल पे, एंड जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 01815061881। थैंक यू दोस्तों, मेहरबानी।